हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी अली। मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमेश रेशमिया मेलोडीज पर रिलीज हुए अगले सॉन्ग मेरी आशिकी के बारे में। ये सॉन्ग आया है एल्बम मूड्स विद मेलोडीज से, और इस बार का जो मूड है वो है गीत गजलिस। बात करें यहाँ पर लिरिक्स और म्यूजिक की, तो ये दोनों जिम्मे संभाले हैं अपने एच आर सर ने। और सिंगर की बात करें तो इस बार इस गाने को अपनी आवाज दी है संजना भट्ट और अनन्या चक्रवर्ती ने। अब बात करते हैं इस गाने के बारे में कि गाना कैसा रहा है, सुनने लायक है या नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस गाने की म्यूजिक की। एचआर सर ने इस गाने का म्यूजिक दिया है, म्यूजिक काफी अच्छा है। एक एक बीट फील करने लायक है, मतलब दिल तक जा रही है। और जिस हिसाब से जितने इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, एक एक का चयन बखूबी ईमानदारी से किया गया है एचआर सर द्वारा। म्यूजिक पर मेहनत की गई है, प्योर म्यूजिक है, कहीं से कुछ भी कॉपी किया हुआ नहीं लगता है। मतलब एक अच्छा म्यूजिक है जिसमें लगता है कि टाइम देकर जिस म्यूजिक को बनाया गया है, इस तरह का म्यूजिक इस गाने का लग रहा है। अब बात करें लिरिक्स की, इस गाने का अगर सबसे मजबूत पहलू मुझे कोई लगा तो वो इसके लिरिक्स लगे हैं। लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, काफी ईमानदारी से लिखे गए हैं, और एक एक लिरिक्स दिल को छू लेने वाला है। मतलब गाना जो है एक सैड वाली फीलिंग आपको देता है, और एक एक जो लिरिक्स है वो दिल में उतर जाएगा, फील हो जाएगा आपको। आंख बंद करके इस गाने को अगर सुनोगे तो एक एक लिरिक्स इसका जो है वो फील करोगे आप, किसी की याद में गुम हो जाओगे, इस तरीके इसके लिरिक्स हैं। अब बात आती है इस गाने के सबसे बड़े प्लस पॉइंट इसकी सिंगर की। ड्यूट सॉन्ग है, एक नहीं दो सिंगर इस गाने में हमको परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले संजना भट्ट, जो इससे पहले हमको 2021 में सारेगामापा में देख चुके हैं जिनको। दूसरी है अनन्या चक्रवर्ती। गाना स्टार्ट होगा अनन्या चक्रवर्ती के आलाप से। उफ क्या आवाज है उनकी, मतलब एक रूहानी आवाज है उनकी, जो सीधे उनके दिल से निकलकर हमारी रूह तक पहुंच रही है। उनकी आवाज जैसे ही मैंने सुनी, मुझको याद आई पाकिस्तानी सिंगर रेशमा की, जिसने लंबी जुदाई गाना गाया था, और अभी तक वो गाना हम सबके दिलों में जिंदा है। मतलब उनकी जो आवाज है मुझे सेम रेशमा जी की आवाज से काफी मैच करती हुई लगी, और आवाज बिल्कुल रूह में समा गई। एक तरह से रूहानी उनकी जो आवाज है, इस गाने को एक तरह से जिंदा कर दिया उन्होंने अपनी सिंगिंग से। बात करें संजना भट्ट की, उनकी आवाज काफी प्योर है, काफी एक दिल को छू लेने वाली है। और दोनों का जो कॉम्बो है इस गाने के अंदर, मतलब दोनों सिंगर्स ने जिस ईमानदारी से इस गाने को गाया है, इस गाने को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। और हिमेश रेशमिया मेलोडीज के जो दिन पर दिन व्यूज गिर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि इस गाने से वो व्यूज वापस से ऊपर उठ जाएं। वैसे भी एचआर सर ने कुछ इस बार अलग किया है, हमेशा की तरह हिमेश के दिल से एल्बम से ना गाना लेकर मूड्स विद मेलोडीज से गाना लिया है, कुछ अलग किया है। मतलब उस एल्बम को छोड़ा है कुछ देर के लिए, क्योंकि लगातार गाने उसी एल्बम से आ रहे थे। मूड्स विद मेलोडीज का ये गाना आया है, और इस बार जो मूड है वो गीत गजलिस हो गया, थोड़ा गजलिस टाइप का ये गाना हो गया है। अब देखते हैं हिमेश रेशमिया मेलोडीज पर इस गाने का कितना प्रभाव पड़ता है, उनके जो व्यूज है वो कितने ऊपर उठते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी ओवरऑल गाने की बात करें तो बहुत अच्छा गाना है, और सिंगर्स ने काफी ईमानदारी से गाया है, दिल को छू लेने वाला गाना है। अगर आपने गाना नहीं सुना है तो प्लीज हिमेश रेशमिया मेलोडीज पर जाइए, गाने को सुनिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस गाने का लिंक डाला है, आप वहां पर भी क्लिक करके डायरेक्ट हिमेश रेशमिया मेलोडीज तक पहुंच सकते हैं। और अगर गाना आपने पहले सुन लिया है तो गाना आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आज की वीडियो में इतना ही। कोई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।